दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरिश्ता मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस और फिल्म से जुड़े अननोन फैक्ट के बारे में। फरिश्ता ये एक फैमिली इमोशनल ड्रामा फिल्म है जिसके स्टार कास्ट में नजर आएंगे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, मेघाश्री और अमित शुक्ला। फिल्म को डायरेक्ट किया है लाल बाबू पंडित ने। फिल्म रिलीज हुई है 9 मार्च 2023 को। फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से काफी शानदार रिव्यू मिले हैं और इसका कारण ये है फिल्म की स्टोरी लाइन। फिल्म की स्टोरी काफी शानदार है और इस फिल्म के जरिए भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नया करने की कोशिश की गई है और इस फिल्म के लिए दर्शकों में काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में तो ये फिल्म अब तक लगभग 25 लाख का बिजनेस कर चुकी है। वहीं फिल्म का बजट लगभग 1 करोड़ 20 लाख है और ये फिल्म जरूर अपना बजट निकालेगी और सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर होने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, ये फिल्म सुपरहिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े अननोन फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर एक, फरिश्ता ये फिल्म खेसारी लाल यादव की 2023 में रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। फैक्ट नंबर दो, ये फिल्म मेघाश्री के साथ खेसारी लाल यादव के साथ लगातार तीसरी फिल्म है। दोस्तों मेघाश्री और खेसारी लाल यादव इससे पहले बोल राधा बोल और राउरी इंस्पेक्टर जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। फैक्ट नंबर तीन, ये फिल्म पूजा गांगुली की खेसारी लाल यादव के साथ दूसरी फिल्म है। पूजा गांगुली ने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा था खेसारी लाल यादव की फिल्म एक साजिश जाल से और उसके बाद ये इनकी दूसरी फिल्म है। फैक्ट नंबर चार, ये फिल्म डायरेक्टर लाल बाबू पंडित की खेसारी लाल यादव के साथ लगातार छठी फिल्म है। इससे पहले लाल बाबू पंडित खेसारी लाल यादव के साथ 2017 में जिला चंपारण, 2018 में राजा जानी, 2019 में कुली नंबर वन और 2022 में राजा की आएगी बारात और शादी हो तो ऐसी जैसी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। फैक्ट नंबर पाँच, इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने में लगभग 18 दिन का समय लगा है और खेसारी लाल यादव ने अब तक जितने भी फिल्मों में काम किया है उन सारी फिल्मों में सबसे कम समय उन्हें इसी फिल्म की शूटिंग में लगा है। फैक्ट नंबर छह, इस फिल्म के लिए खेसारी लाल यादव ने काफी ज्यादा मेहनत किया है। उन्होंने पागल वाले रोल को निभाने के लिए रियल लाइफ में पागल वाली एक्टिंग करने लगे थे। इसके अलावा इस फिल्म के लिए उन्होंने 12 दिन तक नहाया नहीं था और खाने भी वो चम्मच से खाया करते थे और इसके बारे में खुद खेसारी लाल यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। साथ इस फिल्म के रिलीज होने के कुछ समय बाद ही फिल्म का ट्रेलर ट्रेंडिंग में आ गया था और भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने ट्रेंडिंग में आना बहुत ही आम बात है, लेकिन भोजपुरी फिल्म का ट्रेलर ट्रेंडिंग में आ जाए ये बहुत ही बड़ी बात है और फरिश्ता फिल्म का ट्रेलर ट्रेंडिंग में आ गया था। साथ ही साथ जब फिल्म का एक गाना करिया ड्रेस पहने लू ये गाने को रिलीज किया गया था तो ये गाना भी ट्रेंडिंग में आ गया था और ऐसा भोजपुरी फिल्म इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी फिल्म का गाना और ट्रेलर दोनों ही ट्रेंडिंग में आ जाए। तो दोस्तों ये थी फरिश्ता मूवी से जुड़े अननोन फैक्ट। आप भी किसी भोजपुरी मूवी के अननोन फैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।